हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फूड बहार चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूखी उड़द की दाल की रेसिपी। इसको माश की दाल भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने ली है उड़द की धुली हुई दाल। इसका मेजरमेंट हमने इस कप से किया है। इसको हम अच्छे से धोकर इसको 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। दाल को हम इसलिए भिगोएंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। तो देखिए, हमने इसको अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है। दाल बनाने के लिए हमने लिए 1 बारीक कटी हुई प्याज, 3 से 4 लहसुन की कलियां, गरम मसाला, 4-5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 साबुत लाल मिर्च, 3 से 4 तेज पत्ता और नमक स्वाद अनुसार। तो देखिए, दाल को 2 घंटे हो चुके हैं भीगे हुए। चलिए इसको हम बनाते हैं। अब इसके लिए हमने एक कुकर में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं प्याज और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, काट कर ना डालें। साथ ही साथ हमने इसमें डाला है तेज़पत्ता और गरम मसाला। अब इसको अच्छे से हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई हो चुकी है, इसमें हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची और साबुत लाल मिर्च, और इनको डालकर हम थोड़ा सा चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इसमें डालेंगे 1 गिलास, जिसमें जो है दाल अच्छे से पककर तैयार हो जाए। उड़द की दाल जो है वो अगर अच्छे से भीगी हुई होगी तो वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दाल जिसको हमने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, वो भी बिल्कुल फ्री में। दाल को अच्छे से हम चला देंगे। चलाने के बाद जो है इसका कुकर का ढक्कन हम नहीं लगाएंगे, इसको सिर्फ ऐसे ही ढक कर पकाएंगे 7-8 मिनट के लिए। तो देखिए, इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है और दाल का पानी भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। इसमें हम अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुकर का ढक्कन लगाकर दम पर लगा देंगे, और 2 मिनट के बाद इसको हम एक बाउल में सर्व कर लेंगे। तो देखिए, हमारी सूखी उड़द की दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।